हमने कॉची थ्योरम स्टडी किया था, और कॉची थ्योरम क्या कहता है? इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू वी गेट 0। कॉची इंटीग्रल थ्योरम से डायरेक्टली इंटीग्रेशन का आंसर 0 होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन गिवन कर्व, जो भी आपका सी रहेगा उसके अंदर, वो बाउंड्री पे एज वेल एज इनसाइड, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है और सी इज ए क्लोज कर्व, तो अलोंग द क्लोज कर्व दिस इंटीग्रेशन इज 0। अब नेक्स्ट जो हमने थ्योरम देखा था, दैट इज ए कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, इफ आवर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, जैसे ये अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड, तो इसके डिवीजन में कुछ नहीं है इन केस, और ये सिंपल सिंपल फंक्शन अगर है, तो ये एनालिटिक अगर है तो सीधा इंटीग्रेशन 0। बट सारे फंक्शन एनालिटिक थोड़ी ना होते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हो गए। सो नेक्स्ट इज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है? इंटीग्रल अलोंग द कर्व एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे भी हम सी जो रहता है ना वो क्लोज कर्व ही लेते हैं। सो एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड। नाउ दिस ए, ये ए जो पॉइंट है जिसके ऊपर सपोज जेड का वैल्यू ए हो गया, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इस ए पॉइंट से इस पूरे फंक्शन को प्रॉब्लम है, मतलब हम ये बोल सकते हैं इंटीग्रल कंटेन फंक्शन इज एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए इज नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू ए। सो इस ए पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर एनालिटिक होता था तो ये अलोंग इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सीधा सीधा 0 आंसर आता था, बट बिकॉज ऑफ ये फंक्शन नॉट एनालिटिक है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के लिए हमें उसको सॉल्व करना है, और इसका आंसर आता है 2 पाई आई। ये तो सब में कॉमन ही रहेगा 2 पाई आई, बस ये सिंगुलैरिटी कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे, ए पॉइंट पे। तो जो बचा हुआ पूरा फंक्शन होगा वहां पे ए पुट अप कर दो, तो बचा हुआ फंक्शन ये ब्रैकेट को छोड़ के सिर्फ एफ है, इसके अंदर ए पुट अप कर देना। सो दिस इज आवर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल अलोंग द कर्व 2z² प्लस जेड डिवाइडेड बाय z² माइनस 1 इफ इफ सी इज ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 1 एंड सेंटर जेड इक्वल्स टू 1। Now, we have to solve this integration along the circle whose radius is 1 and center is z equals to 1. अगर ये z equals to 1 लिखा है, so C कैसा है? Is a circle with radius 1 and center is जेड इक्वल्स टू 1, 1, 0 ऑर्डर पेयर है ना। सो सेंटर है 1, 0, रेडियस है 1। सो इस सर्कल को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सेंटर 1, 0, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे सपोज 1 पॉइंट है, 1, 0 ये पॉइंट है 1, और यहाँ पे है 0 ना। ये सर्कल का सेंटर अगर 1, 0 है, तो इस सर्कल का रेडियस भी 1 है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1, और यहाँ पे 1 तक के डिस्टेंस पे आओगे तो ये 2, मतलब सर्कल ऐसे रहेगा 0, 0 और 2, 1 इस पॉइंट से पास होने वाला इस तरह का सर्कल। ओके,
नाउ अब हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये जो हमारा गिवन फंक्शन है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त गिवन कर्व को देखना। सो हमने देख लिया कि हमारा कर्व कौन सा है, सर्कल जिसका सेंटर रेडियस गिवन था, तो दिस इज अवर सर्कल। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस फंक्शन को देखो। सो ये जो डिवीजन का टर्म है इसका, इट इज ए जेड स्क्वेयर माइनस वन। जेड स्क्वेयर माइनस वन को ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्मूले से फैक्टराइज करोगे तो इट इज ए जेड माइनस वन जेड प्लस वन, और डिवीजन का टर्म जीरो हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब इफ दिस टर्म इज जीरो, तो वेन इट इज जीरो सो हम इसके फैक्टर कर रहे हैं। सो फैक्टराइज करके ईच फैक्टर को इक्वेट टू जीरो कर दोगे सो वी गेट द वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज ए प्लस वन जेड माइनस वन। सो वेन दिस डिविजन टर्म इज जीरो एट जेड इक्वल्स टू प्लस वन एंड जेड इक्वल्स टू माइनस वन। सो डिविजन का टर्म जीरो कब होता है उतना चेक करने के लिए हमने डिविजन के टर्म को इक्वेट टू जीरो कर दिया और चेक किया कि फंक्शन कहाँ पे जीरो है। इसका मतलब है ये एट दिस पॉइंट इफ इट डिविजन टर्म इज जीरो तो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दिस पॉइंट। सो देयरफॉर वी कैन से टू जेड स्क्वेयर प्लस जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वेयर माइनस वन इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट जेड इक्वल्स टू वन एंड जेड इक्वल्स टू माइनस वन। इन दो पॉइंट पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। इसी का मतलब होता है ये जो फंक्शन है जेड स्क्वेयर प्लस वन जेड स्क्वेयर टू जेड स्क्वेयर प्लस जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वेयर माइनस वन हैज पोल एट जेड इक्वल्स टू वन एंड जेड इक्वल्स टू माइनस वन। जो पोल मतलब क्या होता है, ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पोल सिंगुलैरिटी ऐसे टाइप है। तो जहाँ पे इसको प्रॉब्लम है इस ब्रैकेट के पावर्स वन वन है ना, तो ये जो टर्म है डिवीजन में है और पावर वन है तो दिस इज कॉल्ड अ पोल टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी। सो इसको सिंपली पोल भी बोल सकते हैं। सो गिवन इंटीग्रेशन के अंदर का जो फंक्शन है उसको पोल सिंगुलैरिटी है, सिंपल पोल एंड इट इज ए जेड इक्वल्स टू वन जेड इक्वल्स टू माइनस वन। नाउ ये पॉइंट जो हमने पॉइंट निकाले तो सर्कल निकालने का पर्पस क्या था कि ये सिंगुलैरिटी जहाँ पे इसको प्रॉब्लम है ये इनसाइड द सर्कल लाए होता है क्या चेक करना। तो मुझे बताओ हमारे पास में दो पॉइंट है, एक वन माइनस वन। वन दोनों पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करके डायग्राम में दिखाना है कि वो कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है। फर्स्ट पॉइंट है जेड इक्वल्स टू वन जो कि सर्कल का सेंटर ही है, सो ये फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी है। जेड इक्वल्स टू माइनस वन कहाँ पे आएगा, इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। जेड इक्वल्स टू माइनस वन कहाँ पे, इट इज ए आउटसाइड द सर्कल। मतलब ये यहाँ पे कहीं तो भी होगा जेड इक्वल्स टू माइनस वन। दैट मीन्स हमें मोटिव क्या रहता है कि जो हमारे डोमेन या फिर जो रीजन हमारे पास में गिवन है उसके अंदर अगर लाए हो रहा है तो सॉल्व करना है। अदरवाइज जो टर्म सर्कल के अंदर लाए होता ही नहीं है उसके लिए इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट जीरो ही होता है, सो नो नीड टू सॉल्व दैट पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट सर्कल के आउटसाइड में तो इसके लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो एक ही पॉइंट है जो रीजन के अंदर है, तो मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सा पॉइंट है। हाँ करेक्ट है, थ्री पाया। हियर जेड इक्वल्स टू वन लाइज इनसाइड सी, दैट इज ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल्स टू। सो ये जो हमारा रीजन है सर्कल इसके अंदर ये पॉइंट लाए हो रहा है। आप ऐसे लिखो या फिर सीधा लिख दो कि जेड इक्वल्स टू वन इज ए सिंपल पोल इनसाइड गिवन रीजन। नाउ अब अगर यहाँ पे सिंगुलैरिटी है तो बाय कॉचिस
इंटीग्रल फॉर्मूला कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला सेज दैट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए अलोंग द क्लोज कर्व सी इज 2 पाई आई एफ ऑफ ई. ये होता है हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. यहाँ पे हमने क्लोज कर्व का नोटेशन लिखा नहीं है बट ये अज्यूम रहता है कि गिवन कर्व क्लोज ही होता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले के टाइम पर. नाउ तो देयरफॉर आवर एक्चुअल इंटीग्रेशन इज इंटीग्रल अलोंग द कर्व इट इज 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड डिवाइडेड बाय ये जो डिवीजन के टर्म है उसको हमने फैक्टराइज करके ये वाला टर्म लिख दिया था. ना हियर सिंगुलैरिटी ये जेड इक्वल्स टू वन ही है और ये इनसाइड द रीजन लाए कर दिया तो जेड इक्वल्स टू वन के लिए सॉल्व करना है. सो आंसर इज 2 पाई आई एफ ऑफ ए. एफ मतलब हम किसको कहते हैं. अगर आप इस ब्रैकेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो बचा हुआ पूरा टर्म ऐसे समझो या फिर ये समझो कि हमारी सिंगुलैरिटी क्या है वन तो पुट दिस वन इन होल टर्म एक्सेप्ट जहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा है उसको छोड़ के ये ज़्यादा ईजी जाएगा. जेड इक्वल्स टू वन इस इंटीग्रेशन में कहाँ कहाँ पुट कर दे वहाँ पे पुट अप कर दो. सो इट इज़ ए 2 प्लस 1 यहाँ पे जेड इक्वल्स टू 1 पुट किया तो इट इज़ ए 2 प्लस 1 यहाँ पे 1 पुट अप नहीं कर सकते अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा. सो इट इज़ ए 1 प्लस 1. एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ये जिसको सिंगुलैरिटी है वो ब्रैकेट नीचे रखो बाकी पूरा टर्म अप हो जाता है और अपर साइड के टर्म में ये वैल्यू पुट अप करते हैं. तो ऐसे समझने से ये इजी है कि जहाँ पे सिंगुलैरिटी है वो वाले ब्रैकेट के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस ब्रैकेट को छोड़ के बाकी बचे हुआ पूरा टर्म इज आवर फंक्शन तो इसके अंदर हम पुट करेंगे सिंगुलैरिटी दैट इज ए जेड इक्वल्स टू 1. नाउ सिंप्लीफाई दिस टर्म. सो दिस 2 इंटू 1 इज 3 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2. ये डिवीजन का 2 इस न्यूमरेटर के 2 के साथ कैंसिल. सो न्यूमरेटर का 3 एंड दिस आउटसाइड पाई आई. सो 3 पाई आई इज अवर फाइनल आंसर. एग्जाम्पल सॉल्व इंटीग्रल अलोंग द कर्व साइन पाई जेड स्क्वेयर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 3. यहाँ पे आपके पास में जो गिवन कर्व है इट इज ए सर्कल. सो सी इज ए सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 3. अगर ये हमारा सर्कल है तो इसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे. सर्कल विथ सेंटर 0,0 रेडियस इज 3. मैं इससे ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए मेरा डायग्राम थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है. आप लोग एक ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर ड्रॉ करना है. ना यहाँ पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये हमारा 0, 1, 2, 3 आगे ऐसे ही चलता रहेगा. वैसे यहाँ पे होगा -1, -2 एंड दिस -3. नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है कि ये जो डिवीजन वाला टर्म है इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकालना है बट डिवीजन ऑलरेडी फैक्टराइज में. सो ये z-1 z-2 इक्वल्स टू 0 क्योंकि डिवीजन का टर्म जीरो होना इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. सो इसी को हम इक्वेट टू 0 करके चेक करेंगे कि हमारे फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ पर. सो ये z=1 and z=2 ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि इसके ऊपर ये डिवीजन का टर्म जीरो हो जाएगा. सो हियर साइन पाई जेड स्क्वेयर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 हैज पोल एट जेड इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू
अब ये दोनों पॉइंट डायग्राम में कहाँ पे है वो चेक करो, अगर वो डायग्राम में बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनसाइड है तो उनके लिए सॉल्व करना है, तो z इक्वल्स टू 1 एंड ये z इक्वल्स टू 2, आंसर है 4πi, आंसर इज 4πi. नाउ सी ये बोथ दिस पोल, ये जो है सिंगुलैरिटीज लाइ इन साइड द डायग्राम, सो ये z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2 बोथ लाइज इन साइड, तो गिवन रीजन के अंदर ही दोनों लाए हो रहे हैं. अब हमें दोनों के लिए सॉल्व करना है, मतलब एक्चुअली सॉल्विंग का प्रोसेस है ना हार्डली दो लाइन का है, यहाँ तक कि सिर्फ कर्व को देखो, डिवीजन का टर्म कब जीरो होता है वो देखो, और वो रीजन के अंदर है कि बाहर है उतना चेक करना है. ना अब आ जाते हैं इंटीग्रल में, तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये सभी चीजें आपको लिखना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, क्योंकि हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन हार्डली 6 मार्क्स, ये एग्जाम में अगर 6 मार्क्स के लिए आ रहा है तो आपको हर एक चीज वहां पे मेंशन करना पड़ेगा. सो यहाँ पे बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख देना कि कौन सा फॉर्मूला होता है. सो हियर इंटीग्रल अलोंग द कर्व साइन पाई जेड स्क्वेयर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 और बोथ लाई इनसाइड द रीजन, सो हम एक एक के लिए सॉल्व करेंगे. और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, 2πi और जो सिंगुलैरिटी है इसके अंदर पुट करना है. पहली सिंगुलैरिटी क्या है, जेड इक्वल्स टू 1, तो ये जेड इक्वल्स टू 1 को पुट अप कर दो, सो वी गेट साइन पाई प्लस कॉस पाई डिवाइडेड बाय जेड इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, 1 माइनस 2, देन प्लस सेकेंड सिंगुलैरिटी क्या है, 2, सो अगेन ये फॉर्मूले के हिसाब से 2πi इन ब्रैकेट, सो 2 यहाँ पे पूरे टर्म में पुट अप करना, सो इट इज ए साइन 4πi प्लस कॉस 4πi डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, सो ये साइन पाई 0 कॉस पाई इज माइनस 1, सो इट इज ए 2πi, दोनों टर्म में कॉमन है, वी टेक आउटसाइड, यहाँ पे होगा माइनस 1 और इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 इज अगेन माइनस 1, तो न्यूमरेटर का माइनस डिनोमिनेटर का माइनस 1 होता है. समझने के लिए मैं फिलहाल ऐसे ही लिखती हूँ, साइन पाई जीरो कॉस पाई इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, देन नेक्स्ट टर्म इज साइन 4πi इज 0 एंड कॉस 4πi इज 1 डिवाइडेड बाय 3, इनका डिवीजन हो जाएगा 1 प्लस 1/3, इसे सॉल्व कर लो कितना आता है 1 प्लस 1/3, 4/3, सो इट इज ए 4/3 और ये आउटसाइड वाला 2πi, सो इट इज ए 8/3 पाई आई.